Hello students, good morning all of you. How are you all? I welcome you all in this NDA series. In today's lecture, we will cover the topic noun. Alright? So, let's begin with the rules related to noun. Rule number one, some nouns always remain in plural form. They take plural verb. These nouns have no singular form. These are as follows. Assets, arms, amends, annals, archives, assets, arrears, athletics, auspices, species, scissors, trousers, pants, clippers, bellows, gallows, fangs, measles, eyeglasses, goggles, belongings, breeches, bowels, braces, binoculars, drags, earrings, entrails, embers, fetters, fireworks, longings, leash, odds, outskirts, particulars, proceeds, proceedings, riches, remains, shambles, shears, spectacles, surroundings, tidings, tactics, tongues, vegetables, valuables, wages, etc. Alright, mostly nouns, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जितनी भी nouns हैं इस category में आती हैं, mostly वो pairs में, ठीक है, इनके two parts होते हैं, for example, goggles, ठीक है, jeans, ठीक है, टू पार्ट्स होते हैं, या बाइनोकुलर्स की बात कर लो, किसी की बात कर लो, ठीक है, मोस्टली कैसी हैं, जिनके टू पार्ट्स होते हैं, तो हम बेसिकली इनको प्लूरल में यूज करते हैं. फाइन, फॉर एग्जांपल, एट फर्स्ट प्लेस माय लॉन्गिंग्स वर द लॉन्गिंग्स ऑफ हॉर्सेस. फाइन, इस तरीके से हम प्लूरल में यूज करेंगे. सी, वेट अ मिनट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू. सी, माय लॉन्गिंग्स, ये देखो वर्ड लॉन्गिंग देखिए, ठीक है, एंड वर्ब देखिए वर. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम जितनी भी वर्ब मेंशन की हुई है ऊपर, उन सब के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ऑलराइट, माय पैंट्स आर डर्टी. ऑलराइट, क्योंकि पैंट की दो टांगे होती हैं. फाइन, वेजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आर वेरी लो. कैसी है, बहुत कम है, तो वेजेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब कैसी हो गई, देखिए आर कैसी है, प्लूरल है, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे. नेक्स्ट, वेजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आर वेरी लो, हो ही गया. मीन्स इन द सेंस ऑफ इनकम, मीन्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको. मीन्स ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कैसी वर्ब लेती है, प्लूरल वर्ब. इन द सेंस वे टू अचीव सम एंड, मीन्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है. व्हेन अ और एवरी इज यूज्ड बिफोर मीन्स इट इज सिंगुलर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, My means were reduced substantially, ठीक है. And second example, every means is good if the end is good, ठीक है. हर तरीका अच्छा होता है, ठीक है, अगर अंत वाला हो तो. Rule number two, some nouns look plural in the form, but actually they are singular, ठीक है. ये बहुत ही important topic है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है. For example, news, ये ऐसी nouns हैं जिनके end में क्या आ रहा है, s आ रहा है, और s देखते ही इट सीम्स दैट दे आर प्लूरल, बट एग्जैक्टली एंड एक्चुअली दे आर सिंगुलर, ठीक है. जैसे न्यूज पता ही है, प्लूरल हो ही नहीं सकता. इनिंग्स पता ही है, हो ही नहीं सकता. पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है. सम्बन्ध, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एटसेट्रा. ऑलराइट, लेकिन हाँ, अगर मैथमेटिक्स को हम किसी और सेंस में यूज कर दें, इट कैन बी प्लूरल, ठीक है, अगर कैलकुलेशंस के सेंस में यूज करें तो. रूल नंबर थ्री, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल. सच नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब, दीज आर एज फॉलोज. कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, एटसेट्रा. ऐसा लगता है कि ये कैसी हैं, सिंगुलर, क्योंकि कईयों में तो ऐसी नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, ठीक है. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरीके से एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, रूल नंबर फोर, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, दीज आर अनकाउंटेबल. कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं. जैसे वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन विद सच नाउन्स, दीज आर सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी. क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, एटसेट्रा. ऑलराइट, वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स
बाई एडिंग एस और ई एस। हम इस तरह की नाउन को एस और ई एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल इट इज इन करेक्ट टू से सीनरीज, ठीक है। यानी अब बताना मुझे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी गुड, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है, यानी हम इनको बना ही नहीं सकते एस और ई एस ऐड करके, ठीक है। ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि ये कैसी हैं, अनकाउंटेबल हैं। कैसी हैं, अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट दैम। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर्स, ठीक है, ये गलत हैं, ठीक है। हाँ, इन्फॉर्मेशन का भी हम बना सकते हैं प्लूरल, बट कैसे बनाएंगे, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फर्नीचर का कैसे बनाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इस तरीके से प्लूरल बनाएंगे। अच्छा, एक्सेप्शन देखिए, इफ हेयर इज यूज्ड एज काउंटेबल, सपोज करो किसी के चार हेयर लिए आपने, पांच हेयर लिए, अगर आप काउंटेबल के सेंस में यूज कर रहे हैं, इट कैन बी प्लूरलाइज्ड, वन हेयर, टू हेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ माई हेयर्स आर ग्रे, ठीक है, इस तरीके से ये एक्सेप्शन केस है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देख लो, आई नीड थ्री हेयर्स ऑफ अ ब्लैक हॉर्स, इस तरीके से। रूल नंबर फाइव, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। एग्जाम्पल, डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार्प, पाइक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्वाइन, वर्मिन, एटसेट्रा। वी आर नॉट सपोज टू एड एस और ई एस एट द एंड ऑफ दीज नाउन्स, ठीक है। यानी ये सिंगुलर में भी वैसी ही होती है और प्लूरल में भी वैसी ही होती हैं, हम इनके एंड में एस और ई एस नहीं जोड़ते, अदरवाइज इट बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग, ठीक है, इफ अ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज बिफोर दैम, दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, टोन, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा। नोट, दीज नाउन्स कैन वेल बी प्लूरलाइज्ड, हाँ, इनका भी प्लूरल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजन्स ऑफ वीमन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, थाउजेंड्स, मिलियंस, एटसेट्रा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। हर चीज़ का एक तरीका है इंग्लिश में, तो आप अगर तरीके को फॉलो करेंगे, देन एवरीथिंग इज राइट, एंड इफ़ यू आर डूइंग विदाउट फॉलोइंग द वे, द पैटर्न, इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। रूल नंबर सेवन, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रेपोजिशन, द नाउन विल बी, द वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है, नाउन एंड वर्ब बोथ विल बी सिंगुलर, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टाउन आफ्टर टाउन, वॉच डिवास्टेटेड, कस्बे के बाद कस्बा क्या हो गए, डिवास्टेटेड हो गए थे। रो अपॉन रो ऑफ ब्लॉन्ड गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। रूल नंबर एट, इफ ए न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड अ फ्रैक्शन आर यूज विद अ नाउन, द नाउन इज यूज विद द न्यूमेरल एंड द नाउन विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल, ही गेव मी वन रुपी एंड अ हाफ, ठीक है, इस तरीके से। शी गेव मी टू रुपीज एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर, शी गेव मी टू रुपीज एंड अ क्वार्टर। अब देखिए, ही गेव मी वन एंड अ हाफ रुपीज, इनकरेक्ट हो गया। शी गेव राइट टू एंड क्वार्टर रुपीज, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाले सही हैं, नीचे वाले गलत हैं। अब देखिए, सम नाउन्स आर नॉन एज कॉमन जेंडर नाउन्स, किस नाम से जाना जाता है, कॉमन जेंडर नाउन से जाना जाता है। दे कैन बी यूज फॉर आइदर सेक्स, मेल और फीमेल, किसी भी जेंडर के लिए मेल और फीमेल की यूज हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड ड्यूअल और कॉमन जेंडर नाउन्स, सच नाउन्स आर, देखिए सबसे पहले, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, कैंडिडेट, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, एनिमी, क्लाइंट, प्रेसिडेंट, पर्सन, नेबर, एटसेट्रा। वेन दीज आर यूज इन सिंगुलर, यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन हिज प्रोनाउन विद दैम। यानी हमें क्या करना है, जब भी इन्हें ईच और एवरी के साथ यूज करते हैं, तो हमें जो प्रोनाउन लेना है, खास करके अगर पजेसिव केस की बात करते हैं, तो वो हिज लेना है, ठीक है, हर नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम नॉट हर नेम, ठीक है। थोड़ा सा और लग रहा हो कि सर हर क्यों नहीं हो सकता, गर्ल्स भी तो हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हर इज इनकरेक्ट, ठीक है। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी नॉट हर ड्यूटी, ईच आदर एवरी
वन एवरीबडी नो वन नो बडी नायदर एनी बडी आर ऑल्सो कॉमन जेंडर प्रोनाउंस, ठीक है, और इनके साथ में वजह से केस हिज लगाते हैं, ठीक है, प्रोनाउन का। आगे देखिए, सम नाउन्स आर यूज फॉर स्पेसिफिकली फॉर अ फेमिनिन जेंडर ओनली, जैसे कि ब्लॉन्ड, मेड, मिडवाइफ, ककेट, वर्जिन एट्सेट्रा। ऑलराइट, इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट, ठीक है।